मंडी मुरादाबाद बरेली नेशनल हाईवे नियामतपुर इक्टोरिया टोल प्लाजा पर 45 दिन से अधिक किसान यूनियन के पदाधिकारी 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें किसानों ने टोल की 2 लाइनों को भी बंद कर फ्री कर रखा है, जिसके चलते आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जायजा लेते हुए उत्तराखंड से बरेली, पीलीभीत, रामपुर होते हुए मुंडा पांडे नियामतपुर इक्टोरिया टोल पर पहुंचे और कहा कि सरकार 3 काले कानून वापस लेने को तैयार नहीं और ऊपर से पेट्रोल डीजल गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब करीब आ चुका है, इस सरकार को इस आने वाले इस चुनाव में हठधर्मी का पता चल जाएगा जब गरीब जनता बढ़ती कीमतों का जवाब इस सरकार को वोट न देकर देगी और किसान भी जब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये सरकार इन काले कानून जो किसानों को ऊपर जबरदस्ती थोप रही है जब तक वापस नहीं लेती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सुबह दौरा करेंगे, ठीक है, उत्तराखंड से आए, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, सब जगह दौरे होंगे और ये तो छोटे थे लोग उसे मिल गए, अभी तो बरसात में लोग किस तरह से डीजल का अपना काम कर रहे हैं वो फिजिकल रूप से ग्राउंड रिपोर्ट हम देख रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति किसान महंगाई की मार है, डीजल महंगा है, ये सारी चीजें है। 3 कानून वापसी नहीं हो रहे, ऐसे क्या कारण है जो 3 कानून वापसी नहीं हो रहे, आप 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो सरकार अगर किसी पार्टी को रखे तो वह जरूर वापसी करूँगी, बातचीत सरकार को तो कंपनी चला रही है, कंपनी को किसमें नफा है किसमें नुकसान है क्या है वो फाइनेंशियल मैटर उनका फंसा हुआ है। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरीके से इस सरकार में डीजल गैस पेट्रोल पे दाम बढ़े हैं, अब गिरने का कोई नाम ही नहीं है, दम पे दम बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? आम जनता प्रभावित है, वो जवाब जरूर देगी। अच्छा अगर ये 3 कृषि कानून और आपने कहा कि वापिस नहीं हो रहे हैं, अगर ये वापिस नहीं होते हैं तो आप प्रदर्शन कब तक करने वाले हैं, क्योंकि आपका 3 कृषि कानून का उद्देश्य ही है वापसी नहीं जाएंगे, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके की मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? आप सरकार से तो हमारी डिमांड है बातचीत सरकार कृषि मंत्री जी से कई बार आपकी वार्ता हो चुकी है, सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है, आपका भी कहना है कि वापस नहीं लिए जा रही है 3 कृषि कानून, तो ऐसे क्या कारण है जो आपकी जवान से भी निकल रहे हैं कि 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे? हमने कब कहा कि वापसी नहीं ले रही, हमने कहा कि वापसी नहीं ले रही, ये हमने कभी नहीं कहा वापसी नहीं होंगे, वापसी तो होंगे, भारत सरकार ही तो वापसी लेगी, कब लेगी ये नहीं।